कहते हैं कि फुटबॉल जो हो रहा है लाहौर में, आप इससे मुतमिन नहीं? क्या वजह है? एक तो आप ये देखिए कि लाहौर में जो फुटबॉल हो रहा है, प्रोडिशन PFF जो कर रही है बेहतर है, पंजाब प्रोडिशन जो कर रही है ठीक है। आगे डिस्ट्रिक्ट का आप देखें, डिस्ट्रिक्ट का दो ग्रुप आपस में अपनी सियासत की खातिर फुटबॉल को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल बिल्कुल नहीं है। 2 साल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन के बाद, आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, ना खुद कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं। हमने पहले आल पंजाब टूर्नामेंट कराया, पूरी अपना क्यादत को बुलाया, लोगों ने आके देखा फुटबॉल हुआ है, सेम फुटबॉल क्लब में फुटबॉल हुआ है। उस वक्त फुटबॉल हुआ जिस वक्त लाहौर पूरे में लाइट नहीं थी, और हमने इस लाइट में अपने पैसे लगा के, जनरेटर लगा के अपनी लाइट में लोगों को फुटबॉल दिया। लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, हमने ग्राउंड में फुटबॉल कराया। अब क्या समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोई हिस्सा है या वो काम कर सकती है? या फुटबॉल फेडरेशन को सख्त होना पड़ेगा, फुटबॉल फेडरेशन को अपने जो आगे लोग हैं उनसे काम लेना पड़ेगा। ये जो गोश्त क्लब्स हैं, क्या अब उसके समय उससे भी नुकसान होता है हमारे फुटबॉल को या वैसे ही? क्योंकि नहीं, फुटबॉल होना चाहिए सर, जो जैसे मर्जी हो, रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, लाहौर में फुटबॉल होना चाहिए, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप देखें, आप निकल भी रहे हैं या बड़े स्कूल हैं मेरे पास, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, छोटी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, वो क्या कहाँ से रजिस्टर होंगे? उनके ऊपर आप क्यों पाबंदी लगा दें? उनको खेलने दें, डिफेंस पूरा फुटबॉल हो रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप यकीन करें, मेरे पास यहाँ पे 7 साइड वगैरह लोग बुक कराते हैं, ग्राउंड फुटबॉल होता है, और हमारे रजिस्टर्ड प्लेयरों से, डिपार्टमेंट के प्लेयरों से अच्छे खेल रहे हैं। फेम फुटबॉल क्या कर रही है, फेम का इसमें क्या करदार है? फेम फुटबॉल क्लब का अल्लाह के फजल व करम से बड़ा अच्छा किरदार होगा इस दफा। ये कब आपने शुरू किया, अब तक क्या अचीवमेंट है? 4 साल हो गए जी हमने शुरू किया, 2008 में हमने शुरू किया था, 12 आ गया है, 12 खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम टूर्नामेंट करवाते हैं, आप खुद भी देखते हैं, पूरा कौम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हमारा फुटबॉल के ऊपर क्या हो रहा है। हमारा मिशन कोई पैसा पूसा मिशन नहीं है। आइंदा क्या प्लानिंग है फेम फुटबॉल की? आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम सोच रहे हैं कि एक पूरे लाहौर की लीग होनी चाहिए, ठीक है, जो जिसकी फेम फुटबॉल क्लब खुद क्यादत करे, उन लोगों को बताए कि यार आप भी खेलो और हमें भी खिलाओ और लोगों को, बच्चों को भी खिलाओ। क्या आपके पास ऐसे कोचेज हैं जो सी क्लास होंगे? हाँ जी बिल्कुल है हमारे पास। कौन कौन से कोचेज हैं? एक हमारे पास अपना हैदर बुखारी साहब है, ठीक है, फीमेल में हमारे पास जैनब है, ठीक है, फिर हमारे पास आमर महमूद साहब है जो आपकी प्रीमियर लीग खिला रहे हैं इस टाइम। प्रीमियर लीग में हमारे क्लब के 5-6 लड़के खेल रहे हैं, वेद क्लब की तरफ से 5-6 लड़के हमारे प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं फुटबॉल को, मुस्तकबिल है या वैसे चलेगा जैसे आपदा भी दूर से चल रहा था? नहीं, पाकिस्तान का फुटबॉल का मकसद जो है ना सर, अगर ये सिंसियर हो जाए, अगर ये सिंसियर हो जाए लोग, मैं नहीं कहता कि जी आप कराची देखो, लाहौर देखो, कहीं किसी चीज़, मैं कहता हूँ सिर्फ आप लाहौर को पकड़ लो, लाहौर की बॉडी को पकड़ लो, उसको समझाओ कि यार फुटबॉल कराओ, जो बॉडी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, अगर आप 1-2 साल से आप बैठे हैं फुटबॉल करो, उसके बगैर नहीं है। ये नहीं मैं करूँ जी, मेरा भी जमाल अहमद खान बहुत नाम है, प्रियंका बहुत नाम है, मैं ये नहीं सोच रहा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से चाहते हैं कि वो आम लोगों की हेल्प करें, ग्राउंड जितने कई लोग लाहौर में ग्राउंड ऐसे हैं जो मेंटेन नहीं है, उनको मेंटेन करें। एक तरफ कई एक बंदे की ना सोचे, इज्तिमाई सोच सोचे, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि ठीक है, होना चाहिए। तो इसमें जो फुटबॉल हो रहा है सिर्फ डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्लबों में नहीं हो रहा? अब फिलहाल जो पाकिस्तान लाहौर के क्लब हैं उस आपने देखा, सारे इंडिविजुअल ही चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्लबों में कोई फुटबॉल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने 2-3 फुटबॉल टूर्नामेंट हुए हैं, एक हमारा फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ है आल पंजाब का, हमने करवाया जिसमें 40 टीमें थी, पूरे लाहौर से टीमें थी और कुछ टीमें, और हर डिपार्टमेंट का लड़का हर टीम में से खेल के गया, लोगों ने इंजॉय किया। 7 बजे हम शुरू होते थे, रात 12 बजे तक फुटबॉल हो रहा था, और 2 महीने हम 1.5-2 महीने हमने ये फुटबॉल चलाया। हमने भी तो अपनी तरफ से हमारे दोस्त बहन भाई आप जैसे लोगों ने पैसा लगाया ना, तो प्रशिक्षण को भी चाहिए कि ताकि वो भी कि जो लोग कमजोर हैं खेलने वाले हैं उनके ऊपर पैसा लगाए। हमारे पास टैलेंट मौजूद है, उसमें काम नहीं किया गया। बहुत टैलेंट मौजूद है हमारे पास, टैलेंट मौजूद है, बहुत मौजूद है, नहीं किया गया, बहुत मौजूद है सर। ये अगर आप कहें ना कि अगर पाकिस्तान के ऊपर ये फुटबॉल फेडरेशन थोड़ी सी सख्ती कर दे, और जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास कोई नहीं, ये नहीं कि मैं जनाब मैं कह दूँ जी, मैं आपको अभी कह दूँ जी, मैंने जनाब 100 बच्चा लेके पाल दिया,
मैं उसकी तनख्वाह भी लगा रहा हूँ, मैं उसको पढ़ा भी रहा हूँ, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर फुटबॉल फेडरेशन ये काम करे कि कुछ ऐसे टैलेंट वाले बच्चे हैं अंडर 14, मेरे पास 2-3-4 बच्चे ऐसे हैं जिसने अपना मीर साहब ने जिनको 1,000 रुपये इनाम भी दिया पूरे लाहौर का नाम, फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटा आप अपने क्लबों से पूछ के हमारे पास आया करो। बहुत शुक्रिया जी आपका।